लोकसभा चुनाव की मतगणना 23 मई को होने जा रही है। इसके लिए जिला निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जहां निर्वाचन विभाग ने मतगणना कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया है, जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र की मतगणना कॉमर्स कॉलेज और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की मतगणना राजस्थान कॉलेज में की जाएगी। मतगणना के लिए जयपुर शहर में 115 टेबल तो वहीं जयपुर ग्रामीण के लिए 122 टेबल लगाई गई है। हर टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट और एक माइक्रो ऑब्जर्वर लगाया जाएगा। इसी के साथ राजनीतिक पार्टियों के एजेंट्स को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो। हमने राजनीतिक पार्टियों को और उनके अभ्यर्थियों को बुला के और उनको अवगत कराया विस्तार से कि जिनका सत्यापन हो, चरित्र देख लें कि कोई उच्छृंखल व्यवहार नहीं करे, और उल्लेखनीय कि कोई भी MLA, MP, जिला प्रमुख, प्रधान और कोई भी मंत्री ये एजेंट नहीं बन सकते, काउंटिंग एजेंट नहीं बन सकते, तो उनको ये भी अवगत कराया। साथ ही जो लोग वहाँ काउंटिंग एजेंट के रूप में जाएंगे 20 तक, यानी आज तक हमने उनसे उनके नाम, पते और उनकी पहचान मांगी है ताकि उनको हम मुहैया करा सकें। इसके पश्चात